जी अस्सलाम वालेकुम। जी मिसेस राहिल बात कर रही हूँ। जी 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 मैम। राहिल ऑफिस में है? नहीं मैम, अभी तक तो वो ऑफिस नहीं पहुँचे। ऑफिस नहीं पहुँचे? जी। अच्छा मेरी बात सुनो। जी मैम। वो जैसे ही ऑफिस पहुँचे मुझे फौरन मैसेज करना। जी ओके हो गया मैडम। और हाँ, राहिल पर नजर भी रखना कि वो आजकल कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, सारी रिपोर्ट मुझे देना। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे मैम, मैं हर बात की आपको इतला देता हूँ। और एक बात, राहिल को इस बारे में कतई ही पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुमसे इस बारे में बात कर रही हूँ। जी मैं तुम्हारे मैसेज का वेट कर रही हूँ। लव। क्या लगता है तुम लोगों को, जो अभी हरकत तुम लोग करके आए हो, किसी ने तुम्हें देखा नहीं होगा, पहचाना नहीं होगा? मैंने देखा अपनी आंखों से तुम्हें और पहचान भी लिया। जानते हो जिस औरत का तुम लोग पर्स छीनने की कोशिश कर रहे, एक मासूम लाचार बेबस माँ जो अपनी छोटी सी बच्ची के लिए दवाई लेने जा रही थी, जो हेपेटाइटिस की लास्ट स्टेज पर है। मेरा दिल तो चाह रहा है कि अभी पुलिस स्टेशन जाकर तुम लोगों की कंप्लेन कर दूं, लेकिन तुम लोगों के साथ खाया पिया उठा बैठा हूं, इसलिए तुम लोगों का लिहाज करो और पहली और आखिरी दफा तुम दोनों को मौका दे रहा हूं। अगर आज के बाद कोई इस तरह की घटिया और नीच हरकत की ना, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अदनान बाबू, वो जितनी मर्जी कोशिश कर लो इसको समझाने की, जितनी मर्जी नसीहतें कर लो, ये कासू बड़ा ढीठ है। बाबू वो नहीं कहते, जिसको एक बार छीन के खाने की आदत पड़ जाए ना, वो फिर सारी जिंदगी कमा के नहीं खा सकता। वो ये साहब है इसका। और रहने दे, तू तो जैसा बड़ा हकलाल की कमाई कमाता है ना, जो मेरे बारे में ऐसी बात कर रहे हैं? बताओ मैं तेरे को क्या करेगा तू? अरे यार तुम लोग रुको, क्या लड़ाई शुरू कर दी तुम लोगों ने? तुम लोगों को साफ साफ बता रहा हूँ, इस तरह दूसरों की खुशियां चुराने वालों से मुझे शदीद नफरत है। अगर तुम दोनों चाहते हो कि हम लोगों की दोस्ती कायम रहे, तो आज के बाद ये चोरी डकैती इस तरह की कोई घटिया हरकत नहीं करोगे। अदरान बाबू, ओ तू परेशान ना हो जा। ओए जा ठंडा पानी ला, बल्कि एक काम कर, खोखे से ठंडी बोतल लेकर आ। ठीक है बैठो बैठो अदरान बाबू, बैठ जाओ यार, ठंडे हो जाओ। ओ तुम परेशान ना हो, जैसा तुम कहोगे ना वैसे ही करेंगे। ओ तुम्हें आइंदा कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे, क्यों कासू? ठीक है बाबू अदनान, ठीक है, माफ कर दे हमें। सही हो जाए,